हेलो डी स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर सिक्सटी फोर क्लास टेंथ विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए थर्टी फर्स्ट ऑफ डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के लिए शेड्यूल की गई है आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है हमारी कविता कन्यादान हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे सो so, वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए सो so, देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है प्यारे बच्चों पिछली बार हमने कवि ऋतुराज की कविता जो है कन्यादान का अध्ययन किया था आज हम उनकी कविता को अगले अंश को पढ़ेंगे और प्रश्न उत्तर करेंगे तो बच्चों पिछली वर्कशीट में भी हमने एक कविता जो है कन्यादान के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि इस कविता में कवि ऋतुराज जी ने माँ और बेटी के बीच होने वाली घटना का वर्णन किया है जब एक माँ अपनी बेटी की शादी के बाद विदाई करती है तो उसे ऐसा लगता है मानो उसके जीवन की सारी जमा पूंजी उससे दूर जा रही है फिर उनका जो पुत्री मोह है पुत्री के प्रति प्यार है ठीक है वो इस बात से उनको जो है चिंतित करता रहता है माँ को कि उनकी बेटी नए घर में जा रही है कि कहीं उसको कोई परेशानी ना हो क्योंकि उसने बहुत ही प्यार से अपनी बेटी को पाला है ठीक है तो इस चीज़ों को लेकर जो माँ है उसकी कैसे चिंता होती है कैसे वो अपनी फूल सी जो बेटी है उसकी वो शादी कर रही है और उसके जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है ठीक है और एक ऐसा परिवर्तन जो कि स्थायी रूप का है ऐसा नहीं है कि वो जाएगी और जो है ऐसे वापस आ जाएगी जैसे हम कहीं जाते हैं थोड़े बहुत दिनों के लिए कई बार होता है ना कि हम कहीं जाते हैं तो फिर हम वहाँ पे कई बार एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है लेकिन हमारे मन में ये होता है कि हमें वापस अपने घर जाना है लेकिन यहाँ पर जब लड़की की शादी होती है तो वो वापस अपने घर नहीं आती है उसको वहीं रहना होता है चाहे और चाहे कितना ही कल्चर अलग हो वहीं पर उन सब के साथ जो लोग हैं उन सब के साथ उसे एडजस्ट करना सिखाया जाता है ठीक है तो यहाँ पर वही भावनाएँ ऋतुराज जी की जो है तरफ से इस कविता के माध्यम से दिखाई गई हैं कि एक बच्ची को बड़े लाड़ दुलार से पाला जाता है परंतु विदाई के वक्त जो है वो अचानक इतनी बड़ी लगने लगती है कि जो माँ है पिता हैं वो उनको सब सीख देने लगते हैं तो यहाँ पर यही कहा गया है देखिए आगे हम पढ़ेंगे लड़की अब सयानी नहीं थी अभी इतनी भूली सरल थी तो अब यहाँ पे जो कवि हैं वो इस जो लाइनें हैं इनके माध्यम से कह रहे हैं कि लड़की जो है वो क्या हो गई है लड़की बड़ी हो गई थी ठीक है लेकिन सयानी नहीं हुई थी यानी बड़ी होना और सयानी होने में अंतर है बड़ी तो हो गई थी लेकिन पूरी तरह से वो सयानी नहीं हुई थी अभी वो भोली और सरल थी कि उसे सुख का आवाज तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था आप देखिए जैसे बच्चे होते हैं तो उनको अगर कोई दुख होता है तो पेरेंट्स जो है उनको भनक भी नहीं लगने देते हैं और जो भी जीवन के दुख हैं वो माता पिता जो है वो अपने आप उसको झेल लेते हैं तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अभी उसे जीवन की जो जटिलता है जीवन में जो दुख है जीवन में किस तरह से दुखों का सामना करना पड़ता है कैसे एडजस्ट करना पड़ता है वो चीज़ अभी उसने कहाँ सीखी थी अभी तो उसका सामना केवल सुखों से हुआ था अभी उसे दुख के बारे में तो पता ही नहीं था अभी उसका जीवन जो है वो बड़ी सरलता से बीत रहा था और यही कारण है कि उसे खुशियाँ मनाना तो आता था लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए ये अभी तक उसे नहीं पता था ठीक है पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुको और कुछ लयबद्ध कविताओं की तो इन ये जो कविता में ये जो लाइनें दी गई हैं कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की इसका मतलब क्या है कि अभी अपने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए केवल एक धुंधली तस्वीर की तरह थी जिसमें साफ साफ वो जो है नहीं अभी देख पा रही थी ठीक है और अभी उसने उसे ठीक से देखा नहीं था इसीलिए चिंतित हैं कि कैसे जो है वह वहाँ पर एडजस्टिंग करेगी जैसे जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम नहीं रखता बाहर की दुनिया में समय नहीं गुजारता तब तक उसका हम कहते हैं कि सोशली रूप से जो है सामाजिक रूप से उसका संपूर्ण विकास नहीं हो सकता जब तक वो बाहर की परेशानियों को खुद से जो है झेल उनके सोल्यूशन नहीं निकालता तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि वो पाठिका थी केवल उसने जो है अभी जो बाहर की दुनिया है उसके बारे में थोड़ा बहुत सुना था लेकिन उसको अभी आज़माया नहीं था उसमें वक्त नहीं गुजारा था ठीक है तो कुछ तुकों और कुछ लयबद्धों की इसका मतलब जैसे कोई तुकों और लयबद्ध कविताओं की क्या है कि जैसे कोई नया नया गीतकार जो है जब कविता लिखना सीखता है तो वो जब तुक सीखता है जब लय सीखता है तो इसी तरह यहाँ पर जो बच्ची है वो भी क्या है जिसकी शादी हो रही है वो जो है नई नई चीज़ों को भी सीखने जा रही है ठीक है अभी तो उसने केवल वो एक भोली बच्ची है जिसने केवल जो केवल सुखों की कल्पना में जी रही थी अभी दुखों से उसका सामना नहीं हुआ था तो अब यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जैसे देखिए सयानी का मतलब क्या होता है सयानी का अर्थ होता है समझदार आभास का अर्थ होता है अनुमान बाँचना यानी बांटना ठीक है यानी एक तरह से पढ़ना सरल है यानी साधारण अब आपको यहाँ पे आसान से बच्चों चार प्रश्न और गतिविधि दी गई है ठीक है जिसके आंसर हम करेंगे पहला प्रश्न है कविता में लड़की को किसकी तरह बताया गया है तो कविता में लड़की को धुंधले प्रकाश की पाठिका की तरह बताया गया है ठीक है प्रश्न दो है लड़की को किस बात का एहसास था कि उसे क्या करना नहीं आता तो लड़की को केवल सुख का आवास था और उसे दुख को सहना या बांटना नहीं आता प्रश्न तीन है कविता में लड़की को किस चीज़ की पाठिका कहा गया है तो कविता में लड़की को धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा गया है प्रश्न चार है कवि ने इस कविता में किस लड़की के विषय में बात कही है तो कवि इस कविता में उस लड़की जो है उस लड़की के विषय में बात कर रहा है जिसकी शादी हो रही है ठीक है तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है जिसकी शादी हो रही है नेक्स्ट देखिए गतिविधि दी गई है विवाह समारोह में क्या क्या तैयारियाँ की जाती हैं अपने हिसाब से एक ऐसी ही सूची तैयार कीजिए ठीक है तो एक ऐसी सूची तैयार की जाती है करेंगे जिस जैसे जो विवाह में जो है जो जो कार्य किए जाते हैं कैसे तैयारियां होती हैं वो है तो सबसे पहले क्या करते हैं शादी का बजट तैयार करेंगे उसके बाद शादी की तिथि तय करेंगे शादी का स्थान तय करें उसके बाद मेहमानों की लिस्ट बनाई जाएगी ठीक है उसके बाद क्या होगा बहुत खरीदारी करनी होगी कार्ड बनवाने होंगे और फिर उनको बांट कर आना होगा क्लियर तो इस तरह से जो है शादी में तैयारियां करनी होती हैं तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ टेक केयर बाय बाय